तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है संडे और अभी समय मतलब टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहे हैं और हम लोग यही निकल रहे हैं राइड पर, संडे राइड पर। तो देख सकते हैं बाइक यहाँ पे है, एक अपना 220 है और आज थोड़ा यूनिक बाइक है। मतलब यूनिक बोले तो मतलब होता है ना, एक पावरफुल बाइक 200 का सेगमेंट में, RS 200। और यहाँ है एंटॉर्क और देख सकते हैं यहाँ मोटो ब्लॉगर। बाकी एक बाइक और आएगा अभी, उसके बाद निकलेंगे राइड पर हम लोग। तो गाइस सब बाइक आ चुका है और अभी हम यहाँ से भी निकलेंगे। तो एक जिक्सर भी था जो आया हुआ नहीं था, अब आ गया तो निकलते फिर। यहाँ हम लोग यहाँ से निकलते अब। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं DC चौक से और अभी हम लोग जा रहे हैं पत्तावाड़ी की ओर। और उधर से एक लोकेशन पर है, मतलब कैरावानी करके नाम है। तो वहाँ हम बहुत पहले ही गए थे, मतलब लगभग हो गया ना लगभग दो साल हो गया वहाँ गया हुआ। उसके बाद एक बार वो भी दिवाली टाइम में गए थे हम। तो फिर से उस लोकेशन पर चल रहे हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है उस लोकेशन पर। हालांकि चेंज तो हुआ होगा क्योंकि बहुत दिन बाद जा रहे हैं, 2 साल बाद कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो चल रहे फ़िलहाल अभी हम लोग और देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है लोकेशन पर। और ना वो बहुत मस्त लोकेशन है पिकनिक विकनिक के स्पॉट के लिए, बहुत अच्छा है। और ज़्यादा दूर भी नहीं, यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर है। तो वैसे तो मीटर भी हम भी जीरो किए हैं, अभी 205 में चल रहा है। तो देखते हैं फिर कितना किलोमीटर पड़ता है। तो सोच रहे हैं यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं क्योंकि पीछे वाला जो एंटर वाला है वो आया नहीं है। रुको यहाँ आगे में रुको थोड़ा। एंटॉर्क आ रहा है, चलो चलो चलो। और गाइस इस लोकेशन पर जो व्यू आता है ना, बहुत मस्त आता है। यार देख सकते हैं सुबह का कुछ व्यू यहाँ का, जो पेड़ सब जो साइड साइड से निकला हुआ है ना, भाई बवाल लगता है। और अभी यहाँ का रिंग रोड, मतलब बोले तो यहाँ का रिंग रोड जो है वो अभी बन रहा है और जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो बहुत मस्त बनेगा, क्योंकि ये 4 लाइन बन रहा है। 4 लाइन में पता ही है कितना अच्छा लगता है रोड, एक साइड जाने का एक साइड आने का हो जाएगा फिर। तो अभी तो स्टार्ट हो गया है बनना, आधा बना है अभी, बाकी है अभी फ़िलहाल। तो फिलहाल अभी हम लोग को पत्तावाड़ी जाना है, फिर वहाँ से सीधे जाके बरमसिया से राइट लेना है और चलना है केरावनी डैम तरफ। द कृष्णा गार्डन पार हो गया है ना, द कृष्णा गार्डन पीछे ही था ना। नए ने खाली ही मार दिया, दाग मार दिया। बनाता तो ये सब दाग कहाँ से रहता, इतना गड्ढा है। तो साथ में भी RS 200 BS6। तो और एक दो बाइक था साथ, मतलब आने वाला था बट नहीं आया, पता नहीं क्यों, कुछ काम था वो लोग को आज कहीं, मतलब बाहर निकलने वाला था वो लोग तो इसलिए नहीं आया। जिक्सर SF आगे। इस रोड में बम्पर बहुत ज़्यादा है, हर जगह बम्पर ही दिख रहा है। सोच रहे रुकते हैं यहाँ। तो बाइक यहाँ पार्क करके हम लोग नाश्ता करने आए हुए हैं पत्तावाड़ी, पहले भी आए हुए थे बट आज जा रहे तो नाश्ता करके चलते इधर से। तो अभी नाश्ता करने के रुके हुए हैं, ये हम लोग का मालिक है, पैसा ऐसा वही ले रहा है, पैसा देने वाला मालिक हम। चलो निकलते हैं फिर। तो अभी हम लोग पत्तावाड़ी से निकल रहे हैं और चल रहे हैं बरमसिया की ओर।
फिर वहाँ से हम लोग को राइट लेके चलना है कैरावनी डैम तरफ। तो ऊपर की ओर जा रहे हैं हम लोग अभी, उधर पिकनिक देख सकते हैं, पिकनिक स्पॉट भी है एक। बाइक वहां पर लगा दी है, चल रहे हैं ऊपर। उधर सीढ़ी भी है बट हम लोग शॉर्टकट मार रहे हैं इधर, सिर्फ गिर ना जाए। तो अभी उस लोकेशन पर पहुंच गए हम लोग जहां आने वाले थे, दिखाते हैं आप लोग को। नेचुरल ब्यूटी इधर देख सकते, बहुत मस्त। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा जंगल टाइप में है बट लोकेशन अच्छा है। तो हम लोग अभी इस लोकेशन पर आए हुए थे, देख सकते कितना मस्त है पिकनिक, बेस्ट स्पॉट है ये पिकनिक के लिए। और उधर पिकनिक भी हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कैरावनी से। तो यहाँ गाना बहुत ज़्यादा बज रहा है, पिकनिक हो रहा है तो सब मस्ती कर रहे हैं। इधर निकलते हैं फिर यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग दूसरा रोड पर गए, इधर से आ रहे हैं और एक लड़का उधर से चल गया है। ये रोड तो देखे नहीं हम, ये देखा किधर, सीधा है। हम लोग पीछे से आ रहा है, हम लोग इधर शॉट मार के आ गए। तो फिलहाल हम लोग मेन रोड आ चुके हैं और निकल रहे घर की और टाइम भी लगभग 12 हो गया है, देख बजे तो घर पहुंचना है। अभी हम लोग यहाँ फोटो शूट करने के लिए रुके हुए हैं और देख सकते हैं आप लोग वहाँ थोड़ा फोटो शूट हो रहा है। अच्छा अच्छा फोटो ही आ रहा है, हम लोग ऐसे नहीं, बहुत मस्त है यहाँ का एकदम बवाल वाला। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पर, तब तक से हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।